मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में मई में 11 मई को हम लोगों को सूचना मिली थी कि मुबारकपुर निवासी एक दवा एवं कीटनाशक के व्यापारी हैं, उनके घर में कुछ अपराधियों ने एक पर्ची भेजी थी जिस पर्ची पर अंकित था कि 10 लाख रुपए NH-28 के पास रुपौली हाईस्कूल के पास 2 दिन के अंदर पहुंचा दीजिए 12 बजे, अन्यथा पूरे परिवार को और दवा व्यापारी को बड़ा नुकसान हो सकता है, उनको अपनी जान की मारने की उनके तरीके से धमकी दी गई थी और रंगदारी की मांग की गई थी। इस घटना में FIR दर्ज की कर ली गई थी और अनुसंधान किया जा रहा था, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाई थी कि आखिर कौन ये गिरोह है। और चूंकि जो पर्चा दिया गया था वो टाइप्ड पर्चा था, किसी कंप्यूटर सिस्टम से टाइप था, उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं था, कोई भी मोबाइल नंबर नहीं था, और जो दवा व्यवसायी थे कीटनाशक और गंगापुर में इनके दवा और कीटनाशक खाद का व्यवसाय करते हैं ये, तो इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा भी किसी पर संदेह या किसी भी अपराधी के द्वारा फ़ोन आने की बात या किस जगह भी पहुँचाना, सिर्फ रुपौली हाई स्कूल के पीछे इंगित किया गया था कि 12 बजे पहुँचा दीजिए। तो उस जगह पर रुपौली हाई स्कूल पर 12 बजे भी पुलिस ने अपना सर्वेलेंस मुसरी घरारी थाना ने किया था, लेकिन उस सर्वेलेंस के बावजूद भी वहाँ पर किसी तरह का कोई मूवमेंट और आपराधिक गतिविधि नहीं दिखी। तो हम लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है ये एक हॉक्स तरीके की घटना हो और ऐसे ही घटना को अंजाम दिया गया, इसमें किसी तरह का ग्रो ना हो। लेकिन इस घटना में फिर मोड़ आया और पुनः उनके पास फ़ोन आता है 12 जुलाई को उनके पास फ़ोन आता है और फिर से इस बार अपराधी फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि पिछली बार आपके यहाँ पर्चा फेंका गया था और आपने पैसा नहीं दिया है, तो इस बार आप पैसा पहुंचा दें। और उसी जगह पर उसी समय 2 दिन बाद फिर पैसे की डिमांड की गई। तो जैसे ही ये हुआ तो चूँकि SIT पहले से कार्यरत थी, इसमें SDPO सदर के नेतृत्व में SHO मुसरी घरारी पंकज कुमार, सब इंस्पेक्टर मुसरी घरारी से मोहम्मद फहीम और सब इंस्पेक्टर अमित कुमार, इन लोगों की टीम थी जो लगातार इसमें कार्य कर रही थी। इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक उस पूरे एरिया के CCTV को भी खंगाला था कि आखिर जब 12 मई को जब 2 अपराधी आए थे मोटरसाइकिल से और घर में पर्चा फेंके गए थे, तो उनका हुलिया भी स्पष्ट नहीं था, चूँकि ये जो इनका घर था और जो गांव है वहाँ पर पूरा CCTV देखा गया, लेकिन कहीं अपराधियों का मूवमेंट नहीं दिख रहा था। उसके बाद जब इन्होंने फ़ोन करके पैसा डिमांड किया, तब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इसमें स्पष्ट हुआ घटना पूरी तरह सत्य थी और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, राकेश कुमार, रजनीश कुमार और रोशन कुमार। इनमें से राकेश कुमार जो है वो बछवाड़ा थाना का बेगूसराय का रहने वाला है और रजनीश कुमार और रोशन कुमार मुसरी घरारी थाना के ही रहें, और इनमें से जो रजनीश कुमार है वो उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव के ये दवा व्यवसायी हैं। तो ये घटना की पूरी प्लानिंग थी, रजनीश कुमार ने स्टार्ट किया था, रजनीश कुमार ने इनको लोकेट किया था कि इस व्यक्ति के पास पैसे हैं और इसे व्यवसायी हैं, इनसे डिमांड किए जा सकते हैं पैसे। और उसके बाद रजनीश कुमार ने ये सूचना अपने मित्र अखिलेश कुमार और विशाल उर्फ विश्वजीत को दी। इन लोगों ने ये अखिलेश कुमार, संदीप कुमार और विशाल उर्फ विश्वजीत, इन लोगों ने फिर ये योजना बनाई। तो अखिलेश कुमार का भी घर बछवाड़ा है बेगूसराय में, उसने ऑफर किया कि वो जो रंगदारी मांगने का जो पर्चा होगा वो टाइप करेगा। उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जा करके स्वयं से वो पर्चा टाइप किया और फिर ये जिम्मेदारी मिली इस पर्चे को उनके घर फेंकने की। तो अखिलेश कुमार और विश्वजीत और राकेश कुमार, ये 3 लोग वहाँ से बछवाड़ा से आते हैं, इनमें से 2 बछवाड़ा से थे और एक ताजपुर थाना क्षेत्र का, विशाल जो है वो ताजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला अपराधी है। ये 3 मोटरसाइकिल से आए और मोटरसाइकिल से आके इनके घर में पर्चा फेंक दिया था। उसके बाद इन लोगों ने जब देखा कि पर्चा फेंकने के बाद भी किसी तरह की सफलता इनको नहीं मिली थी, तो इन्होंने मोबाइल का उपयोग किया और अखिलेश कुमार नाम के जो अपराधी है बछवाड़ा से, इसने एक फर्जी सिम उपलब्ध कराई। और जो राकेश कुमार चौरसिया है, इन्होंने जो फ़ोन होता है मोबाइल जिसमें उस फर्जी सिम का उपयोग हुआ, वो फ़ोन उपलब्ध कराया। तब इन लोगों ने फ़ोन लगाया और फ़ोन पर वो रंगदारी की डिमांड राकेश और अखिलेश ने मिलकर की। ये आपस में एक दूसरे को बॉस, बिग बॉस, छोटे बॉस करके संबोधित कर रहे थे ताकि विक्टिम को पता ना चले कि ये लोग कौन है, अपनी पहचान छिपाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद वो ऑडियो हम लोगों के पास आया, उस ऑडियो में से जो आवाज़ थी उस आवाज़ की पहचान की गई, आसपास गांव के लोगों को दिखाया गया, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, उससे स्पष्ट हुआ 3 लोगों की गिरफ्तारी। इन लोगों से पूरी घटनाक्रम का जब खुलासा हुआ तो अखिलेश कुमार और विश्वजीत कुमार और राकेश कुमार की प्लानिंग थी और रजनीश कुमार ने स्टार्ट किया था, चूँकि गंगापुर का ही रहने वाला था। जब इनको 12 मई को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने द्वारा से 2 महीने बाद 12 जुलाई को फ़ोन किया। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, इनसे पूछताछ भी हो गई, पूरे गैंग का खुलासा हो गया है। इस घटना में SHO मुसरी घरारी पंकज कुमार, फहीम और अमित कुमार ने बहुत अच्छा रोल, और अरविंद कुमार DIU से इन सबको सम्मानित भी किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। जिस मोबाइल से ये पूरी घटना का जो रंगदारी मांगी गई थी उस मोबाइल को बरामद किया गया, टोटल 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जिस डेस्कटॉप और प्रिंटर का उपयोग करके जो रंगदारी का पर्चा छापा गया था वो बरामद किया है,
वो कीबोर्ड माउस और सीपीयू बरामद किया। इन लोगों ने स्वीकारा है कि उसी मोबाइल उसी सिस्टम से रंगदारी मांगने का पर्चा किया गया था और इस घटना में जो दवा और कीटनाशक व्यवसायी थे उनसे रंगदारी मांगने वाली सनसनीखेज घटना में व्यापारी वर्ग के प्रति लगातार समस्तीपुर पुलिस संवेदनशील है और उनके किसी भी घटना का त्वरित उद्भेदन करने का प्रयास करती है, लेकिन घटना में समय लगा। जब द्वारा अपराधी का फोन आया उसके बाद मुसीघारी थाना प्रभारी ने एक्टिव रोल करते हुए इसमें घटना का उद्भेदन किया। तीनों अपराधियों को आज जेल भेजा जा रहा है। इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है क्या? वर्तमान में तो हम लोगों को ज्ञात नहीं है, लेकिन हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें से एक अपराधी जो है विश्वजीत, ये आपको ज्ञात होगा कि सरायरंजन थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप भी लूटा गया था, एक ग्रामीण बैंक भी लूटा गया था, उस घटना में अपराधी वांटेड भी है। तो ये आपराधिक ग्रोह है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ कितने केस दर्ज हैं ये अभी हम लोग निकाल रहे हैं। इससे पूर्व भी जो है ऐसे मामले सामने आए थे मुसीघाट थाना क्षेत्र से, कोई नहीं और किसी मामले से तो इसका संबंध नहीं है। इन लोगों का संबंध सिर्फ अभी जो दवा व्यवसायी हैं गंगापुर के रहने वाले, इन्हीं से रंगदारी इन लोगों ने मांगी। इन लोगों से पूछताछ हुई तो स्पष्ट उन्होंने किया कि रंगदारी अभी तक इन्होंने किसी और से नहीं, अभी ये पहला प्रयास इन लोगों का था। आप देख भी सकते हैं चूँकि इन्होंने जिस तरीके से प्रयास किया था, एक नए तरीके का गैंग ही लग रहा था, ना कोई ढंग से समय या कोई पर्टिकुलर स्थान या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इंगित करना, एक रैंडम इन्होंने जगह दी हुई थी, सोच रहे थे कि डर के मारे व्यक्ति ऐसा कर देगा। लेकिन मैं इन व्यवसायी को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और रंगदारी देने की बजाय पुलिस को हर क्षण ये अपनी बातें बताते रहे, जिससे इस केस को उद्भेदन में भी सफलता मिली।